नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हल्दर खेती YouTube चैनल पर। साथियों, अब हम आज इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे ये कि जो सरसों की जो बुआई है उसका उचित समय क्या है और किसान भाई कौन सी किस्म का चयन करें कि उसको अच्छा उत्पादन हो, उसमें रोग और कीट की संभावनाएँ कम रहें और उसका मूल्य भी उसको अधिक ना लगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो टॉप मोस्ट किस्में हैं जो अच्छी भी है, सस्ती भी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की दोनों किस्मों के बारे में यहाँ हम तुलनात्मक या फिर जो चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ किसी भी किस्म का ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं प्राइवेट किस्मों के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, मैं बस किसानों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आप कौन सी किस्म का चयन करें कि आपका उत्पादन अच्छा हो। तो किसान भाइयों, बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो सरसों की जो बुआई है उसका उचित समय क्या रहता है, किसान भाई कब बुआई करें कि उनकी फसल को शुरुआती अवस्था में कोई उसमें नुकसान ना हो। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। साथियों, शुरू करते हैं आज की जानकारी। जैसा कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो सरसों की बुआई का जो उचित समय है, तो किसान भाइयों, जैसे कि जो सितंबर का जो लास्ट जो सप्ताह रहता है और जो अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह है वो सरसों की बुआई के लिए उचित समय है। और जो तापमान की अगर बात करें तो जब तापमान जो 25 से 27 डिग्री के आसपास रहे तो ये सरसों की बुआई के लिए उपयुक्त तापमान रहता है। साथियों, जो सरसों की जो बुआई करनी है वो अपन को जो कतार से कतार की दूरी रखनी है वो लगभग 45 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 20 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो सरसों की जो अपन बुआई करेंगे तो जो सरसों का जो बीज है वो 5 सेंटीमीटर तक आप उसमें गहराई में डाल सकते हैं। तो साथियों, और जो बीज दर काम में लेनी है, जो जैसे मान लो सिंचित क्षेत्र है तो वहाँ 4 किलो के आसपास उसमें अपन बीज पर्याप्त रहता है और अगर अपन असिंचित क्षेत्र में बो रहे हैं तो 5 किलो, 4 से 5 किलो बीज उसमें अपन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लेंगे। साथियों, अब हम बात करेंगे कि कौन सी किस्में हैं जिनको किसान भाइयों को बुआई करनी चाहिए और उनके बारे में हम यह जानेंगे। इसमें जो सस्ती किस्में भी और जो सरकारी क्षेत्र की है और प्राइवेट किस्मों के बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ DRMRIJ31, जिसे हम गिरिराज के नाम से भी जानते हैं और ये किस्म राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये किस्म प्राइवेट किस्म के पायनियर को भी टक्कर देती है। और साथियों, ये किस्म जो भरतपुर अनुसंधान केंद्र है वहाँ से 2013 में इसको निकाला गया था। इसकी जो ऊंचाई रहती है लगभग 180 से 200 सेंटीमीटर रहती है और इसकी जो अवधि है, जो इसका ड्यूरेशन है वो 140 से 150 दिन के आसपास रहता है। और इसकी जो उपज निकलती है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इसकी उपज निकलती है। और ये किस्म जो सफ़ेद रोली और रस चूसक जो कीट है जैसे माहू, चेपा, इनके प्रति रोग प्रतिरोधी है और इसका दाना चमकदार और सुडोल रहता है। और इसकी जो कीमत है मात्र 80 से 100 रुपये के आसपास या इसके समथिंग आपको अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या रासीड या NSC इनमें आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। साथियों, दूसरी किस्म की बात करते हैं जिसे RH 750 भी कहते हैं। ये 2013 में जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से निकाली गई थी। ये किस्म भी बहुत अच्छी है और इसकी जो अवधि है वो लगभग 130 से 145 दिन के आसपास रहती है। और इसकी जो उत्पादन है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इसमें उत्पादन होता है। इसकी जो विशेषता ये है कि इसमें ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है और जो हल्की भूमि रहती है उसके लिए भी उपयुक्त है। और ये किस्म हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के लिए उपयुक्त है। और इसमें जो ऑयल की मात्रा पाई जाती है लगभग 39 से 39.5% इसमें ऑयल की मात्रा पाई जाती है। इसी तरह हम इसमें बात करते हैं जो एक और किस्म है RH 725। ये भी किस्म 2018 में हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इसको निकाला गया था। और इस किस्म की जो विशेषता है कि इसमें इसको सघन नहीं बोना है, मतलब ज़्यादा आस पास नहीं बोए, इसमें थोड़ी जो मैंने स्पेसिंग बताई आपको वो स्पेसिंग इसमें फॉलो करें। ये थोड़ी देरी से बुआई के लिए और सिंचित तो और असिंचित क्षेत्र दोनों के लिए ये किस्म उपयुक्त है। इसका जो उत्पादन है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर होता है और इसमें खास बात यह है कि 40 से 50 दिन के आसपास इसमें फूल आने लग जाते हैं और इसमें तेल की जो मात्रा है वो 40.25% तक इसमें तेल की मात्रा
पाई जाती है। साथियों अब हम बात करते हैं कि प्राउड किस्मों में, जैसे कि पॉइनियर की जो किस्में हैं वो 45 से 46 है, ये ऊंचाई कम रहती है, उत्पादन अच्छा होता है और इसकी जो ऊंचाई 180 से 90 सेंटीमीटर रहती है लगभग, और इसका जो उत्पादन है वो 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें रहता है। दाना मोटा रहता है और आकर्षक रहता है। और जो दूसरी किस्म है पायनियर की या एडवांटा की, धान्या है, राशि सीड्स हैं, ये प्राइवेट किस्में, इनमें आपको जो भी उचित लगे, जो आपकी मूल्य कीमत और उसके हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से आप इसमें अपना चयन करके अपनी खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं। साथियों सरसों की अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो समय पर बुआई करें ताकि आपका जो उत्पादन है वो अच्छा हो और इसमें जो रोग और कीट या बीमारियां आती हैं उसका प्रकोप आपके खेत में अधिक ना हो। धन्यवाद।